हेलो गाइस, रुकनुद्दीन फिरोज आल्सो ट्रांसलेटेड एज रुकनुद्दीन फिरोज डाइड 19 नवंबर 1236 बाद रूल ऑफ दिल्ली इन सल्तनत फॉर लेस देन 7 मंथ इन 1236 एज ए प्रिंस द ही हैड एडमिनिस्टर्ड द दान एंड लाहौर प्रोविंस ऑफ द सल्तनत ही एसेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर अल्तुतमिश ए पावर मुल्क रूलर हु हैड एस्टेब्लिश्ड द सल्तनत एज द मोस्ट पावर फुल किंगडम इन नॉर्थर्न इंडिया हाउएवर रुकनुद्दीन स्पेंड हिज टाइम इन प्रसुइंग प्लीजर एंड लेफ्ट हिज मदर शाह तुर्कान इन कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन द मिस एडमिनिस्ट्रेशन लीड टू रिबिलियन अगेंस्ट रुकनुद्दीन एंड हिज मदर बोथ ऑफ होम वर अरेस्टेड एंड इम्प्रेशंस द नोबल एंड द आर्मी सब्सिक्वेंटली अपॉइंट हिज हाफ सिस्टर रजिया ऑन द थ्रोन। रुकनुद्दीन वाज बॉर्न टू द दिल्ली सुल्तान अल्तुतमिश एंड हिज वाइफ खुदाबंदा जहान शाह तुर्कान हु वाज हैंड मेड ऑफ ट्रिकिक ओरिजन एज ए प्रिंस ही वाज साइन द ऑफ बदीन इन 1228 ही एडमिनिस्टर्ड विद द सपोर्ट ऑफ ऐनुल मुल्क हुसैन अशारी ए फार्मर मिनिस्टर ऑफ अल्तुतमिश राइवल नसीरुद्दीन कबाचा अल्तुतमिश हैड ग्रूम्ड हिज एल्डेस्ट सन नसीरुद्दीन मुहम्मद टू बी हिज सक्सेसर बट दिस सन डाइड अनएक्सपेक्टेडली इन 1229 व्हाइल लिविंग फॉर हिज गालियर कैंपियंस इन 1231 अल्तुतमिश लेफ्ट हिज डॉटर रजिया एज द इन चार्ज ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रजिया हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन वेल एंड व्हेन अल्तुतमिश रिटर्न ही ऑर्डर्ड प्रिपरेशंस ऑफ एंड डिक्लेयर नेमिंग रजिया एज हिज हेयर अपीयरेंट डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स नोबल्स अल्तुतमिश डिक्लेयर्ड दैट हिज सर्वाइविंग सन्स वर absorbed in pleasurable activities and were incapable of managing the state affair after his death. However, shortly before his death, Tutmish appeared to have agreed to appoint Ruknuddin's son as his successor in 1233. He appointed Ruknuddin as the administrator of Lahore. During his last day, when he had become seriously ill, he recalled Ruknuddin from Lahore to Delhi, and Ruknuddin was accepted he as his successor by the nobles. After the death of his father, Iltutmish, Ruknuddin ascended the throne in April May 1236. Saifuddin Hassan he assumed that the Delhi Sultanate would be weakened after Iltutmish death invaded India around this time. However, Saifuddin Aibak, Turek sales officer appointed as the governor of by Iltutmish defeated him and forced him to retreat.